Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request. Please get connected to the Telegram channel above, join it so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing the PDF of the question and answer, whatever is. Coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense that is the last lecture there is an i button given about please click it watch that particular lecture and then you can come here very importantly at the end is if you have not subscribed to our youtube channel please do make that a task for the day and subscribe to our channel and together with that also press

बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है वो तो स्टीवनसन ने समझा दिया और उसके कनेक्शन में तीन डेट होते हैं एक होता है डेट ऑफ बिल जिस दिन पे वो बिल को ड्रॉ किया जाता है ड्रॉवर के द्वारा एक होता है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जब ड्रॉई उस पर हस्ताक्षर करता है एक्सेप्ट करता है ये जो दो डेट होते हैं ना डेट ऑफ बिल डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ये इंडिया में कोई भी दिन पे आ सकते हैं कोई चिंता की बात नहीं है सैटरडे हो संडे हो पब्लिक की छुट्टी का दिन हो मेरी छुट्टी आपकी छुट्टी कुछ भी हो आप डेट ऑफ बिल कोई भी तारीख रख सकते हो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस कोई भी तारीख रख सकते हो किंतु परंतु और वो बहुत बड़ा किंतु परंतु है ये जो ड्यूडेट आता है ना ड्यूडेट का मतलब क्या है जिस दिन पर लेन देन करना है ये जो डेट है ना ये भविष्य में आता है तो थोड़ी भविष्यवाणी हमको करनी पड़ती है कि ये डेट थर्टी डेज आफ्टर डेट लिखा है मतलब फोर्टी डेज फोर्टी फाइव डेज सिक्सटी डेज नाइन्टी डेज थ्री मंथ फोर मंथ ये कौन सा डेट की बात कर रहे हैं सो द कैलक्यूलेशन ऑफ अ डेट विच कम्स इन फ्यूचर ऑन द डेट वेयर देर विल बी लीन देन कि भाई मेरे पैसे दे दो ये स्टोरी को हम खत्म करते हैं जहाँ पे एक सेलर बायर से जहाँ पर एक ड्रॉवर ड्रॉई से जहाँ पर एक क्रेडिटर डेटर से पैसे लेता है स्टोरी समाप्ति बट वो दिन क्या होना चाहिए क्या वो कोई भी दिन हो सकता है बिल्कुल नहीं देर आर सर्टन कायदा कानून डेट यू हैव टू रिमेंबर क्यों कायदे कानून याद रखने क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नामक एक कानून के तहत आता है उस कानून में जो भी उन्होंने दायरे दिए हैं मतलब क्या है लिमिटेशंस उसके अंदर आपको काम करना पड़ता है अच्छा कुछ चीज़ें जो मैं आपको याद दिलाता हूँ क्योंकि ये ड्यू डेट लेन देन का दिन है ये बैंक के हॉलीडे पे नहीं हो सकता है संडे पे ऑब्वियसली बैंक बंद होता है तो भी नहीं हो सकता है हाल ही में बैंकिंग लॉस के अंदर चेंजेस हुए हैं तो सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे जो होता है शनिवार जो होता है तभी बट सैटरडे और संडे की चिंता आप ना करें आप पब्लिक हॉलिडे की चिंता ज़रूर करें अगेन बट सर हमारा भारत देश इतना महान है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर गुस्सा हो जाती है तो वो धरने पे बैठ जाती है और वो शहर उस दिन के लिए बंद हो जाता है नहीं नहीं उसकी भी चिंता आप ना करें इस चैप्टर के अंदर स्पेसिफिकली आपको बताया गया है कि जो पब्लिक हॉलीडे आपको याद रखने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी का अगस्त का अक्टूबर का और दिसंबर का ट्वेंटी क्रिसमस का दिन सर ऐसा क्यों है कि क्रिसमस का दिन बाकी ईद का क्या बाकी दिवाली का क्या क्योंकि वो हर साल दो तीन दिन आ, बदलते जाता है और कुछ तो महीनों में बदलता रहता है ओके डिपेंडिंग अपॉन योर स्टाइल ऑफ अ कैलेंडर जो फिक्स्ड है ये चैप्टर में आपको वही पब्लिक हॉलीडेज याद रखने अगर ड्यू डेट आपका जो भविष्य का डेट है एक पब्लिक हॉलीडे पे आता है आपको तो पैसे लेने थे ड्रॉई से बायर से तो आप एक दिन पहले चले जाओ पॉइंट नंबर थ्री में लिखा गया है प्रीवियस डे ट्वेंटी सिक्स जनवरी को आपका डेट आया ड्यू डेट एक दिन पहले अगर फिफ्टींथ अगस्त को आया एक दिन पहले सेकेंड अक्टूबर को आया एक दिन पहले ट्वेंटी फिफ्थ को आया एक दिन पहले बाकी आप कृपया याद ना रखें हाँ संडे की जानकारी वो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन में लिखकर देंगे तो भी एक दिन पहले आप जा सकते हो बट वॉट इफ एमरजेंसी हॉलीडे होगा वॉट इज एन एमरजेंसी हॉलीडे इन डिफरेंट सिचुएशन द स्टेट गवर्नमेंट द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट फील के अगर लोगों का आवाजावा आना जाना तांता ओके okay, लगा रहेगा देन देर मे बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस लॉस ऑफ हेल्थ लॉस ऑफ वेल्थ ओके तो द गवर्नमेंट कैन सडनली ओके डिक्लेयर आजकल डिक्लेरेशन करने में और वो खबर लोगों तक पहुंचने में कुछ ही सेकेंड्स लगते हैं नॉट आज नॉट मिनट्स कुछ ही सेकेंड्स लगते हैं इतना फास्ट है सोशल मीडिया तो फाइव मिनट्स बैक एन इमरजेंसी हॉलीडे कैन बी डिक्लेयर देन वॉट विल यू डू अरे मेरे को पता ही नहीं था कल ड्यू डेट है तो मैं क्या करूं अब एक दिन बाद जाओ जब भी नेक्स्ट मार्केट खुल जाएगी बैंक्स चालू हो जाएगी एक दिन बाद जाएगी ओके तो ये जो कायदे कानून है आप कृपया करके याद रखिए आपको आपके नकल्स का इस्तेमाल करना है ये मैंने पिछले लेक्चर में समझा दिया था कैलेंडर के मंथ के डेज याद रखने के लिए जनवरी यहां से शुरू होता है फेब में बवाल होता है मार्च अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर डिसम्बर द नकल्स आर द थर्टी वन डेज एंड द स्पेस इन बिटवीन आर थर्टी डेज फेबर डज हैव लिटिल बिट ऑफ अंफ्यूजन बट देन आई डिस्ट टू एक्सप्लेन टू यूर आपको चार का टेबल आता है चार गुना एक चार चार गुना दो आठ आगे बारह सोलह याद रखना है कि जो दो हजार का साल था वो था लिपियर और फेबर के अंदर थे ट्वेंटी नाइनटीज उसके बाद जो चार चार साल आए हैं या उसके पहले भी चार चार साल बट हमको पुराना नहीं जाना है ओके हा चार चार साल आए 2004, 2008, 2012, 2016 और 20 जो हाल ही में गया फेब में थे ट्वेंटी नाइन डेज उसके अलावा अगर कोई साल रहता है जिसे कहते हैं नॉट अ ईयर तो आपको फेब में मिलेगी ट्वेंटी एट डेज तो प्लीज़ ये आप अपनी जहन में मतलब थॉट प्रोसेस में अपनी सोच में ये ऐड करके रख लीजिए मेमोरी में डाल दीजिए टेम्पररी नहीं परमानेंट मेमोरी पूरे लाइफ के लिए काम आएगा कि फेब में ट्वेंटी एट है कि ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन तो कभी होता ही नहीं है ट्वेंटी एट है कि ट्वेंटी नाइन कैसे मैं याद रख सकूं? ओके okay, अभी हम क्या कर रहे हैं पिछली बार मैंने आपको ये फाड़ने की टेक्निक समझाई थी जैसे घरों में कैलेंडर होता है डिजिटल नहीं फिजिकल और अगले मंथ में जाना है तो पहले वाले मंथ को फाड़ना पड़ता है जैन को फाड़ोगे तो फेब नजर आएगा फेब को फाड़ोगे तो मार्च नजर आएगा इफ यू टेर ऑफ मार्च अप्रैल नजर आएगा हाँ तो ये टेक्निक मैंने लास्ट टाइम पढ़ाई है आज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें हम ड्यूडेट कैलकुलेट करने वाले हैं उसमें ये दोबारा काम आएगा पिछली बार का जो कैलेंडर था वो भी वही रहेगा टू इसमें जो न्यूमेरिकल मंथ है इफ समी वे लास्ट क्यूब ओ बताओ मेरे को सितंबर कितवा महीना है पहली बात तो जवाब मत दो क्यों ए ये क्या है नाम से बुलाना मुझे ओ क्या बोलता है अगर सामने वाले ने बच्चों कृपया करके मुझे बताइए अक्टूबर कितवा महीना है यू शुड नो 10वा नवंबर कितना महीना है जुलाई कितवा महीना है अगस्त कितवा महीना है न्यूमेरिकल मंथ आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो आगे कैलकुलेशन में काम आएगा नाउ आर क्वेश्चन लुक्स लाइक दिस इट्स अ ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ अ क्वेश्चन बट इट इज डेफिनेटली यूजफुल फॉर वन मार्क एंड इट इज आल्सो यूजफुल फॉर टेन मार्क का क्वेश्चन जो आगे आने वाला है ओके फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं रफली सॉल्व करना है बाकी चिंता नहीं करनी है टेंशन नॉट हा पहला क्या दिया है डेट ऑफ ड्रॉइंग डेट ऑफ एक्सेप्टेंस टेन वो मतलब दो महीना तीन महीना चालीस दिन पचास दिन टाइप आफ्टर डेट है आफ्टर साइट है आफ्टर साइट में टेन्यूअर जो है गाय की गाड़ी अलग स्टाइल में स्टार्ट होगी आफ्टर साइट में अलग स्टार्ट होगी देखते हैं कैसे स्टार्ट होगी अभी ये क्वेश्चन है सर लास्ट टाइम आपने एक ड्यू डेट पढ़ाया था अभी ये क्या है नॉमिनल ड्यू डेट ऊपर ऊपर लीगल ड्यू डेट सर मैडम बहुत सिंपल है कानूनी ड्यू डेट ढूंढना है तो तीन दिन ग्रेस के ऐड करने पड़ेंगे नॉमिनल ड्यू डेट क्या होता है मैंने दो महीने दिए दो महीने बाद क्या चार महीने दिए चार महीने बाद क्या चालीस दिन दिए चालीस दिन के बाद क्या उसको कहते हैं नॉमिनल ड्यू डेट लीगल ड्यू डेट के लिए वेरी सिंपल तीन दिन ऐड करने हैं ड्यूरिंग एंटायर लेक्चर टूडे मैं आपको नॉमिनल डेट की भी पूरी कहानी और लीगल ड्यू डेट की भी पूरी कहानी बड़े आराम से समझा दूंगा बराबर शॉर्टकट में कर सकते हैं कि सर नॉमिनल डेट आया तीन दिन ऐड करो चुटकी बजा के मैं लीगल ड्यू डेट आ जाएगा यस बट व्हाट इफ ये सेम कैलकुलेशन नहीं आपको सिर्फ लीगल के लिए आएगा तो मैं पूरी कहानी लेफ्ट राइट right में आपको पूरा समझा दूंगा आप प्लीज कैलकुलेट कर लेना बट येस देर इज ऑलवेज अ शॉर्टकट वेन यू गेट अ नॉमिनल ड्यू डेट जो क्रेडिट पीरियड खत्म होने के बाद टेन यूअर खत्म होने के बाद में आपको मिलेगा आप तीन दिन ऐड कर लो आपको लीगल ड्यू डेट आ जाएगा बट सिंपलिसिटी से आई एम गोइंग टू सॉल्व इट कंप्लीटली फर्स्ट क्वेश्चन क्या है थर्ड जैन के फिफ्थ जैन देखो आप ना टाइप पढ़ो आफ्टर डेट देखो आफ्टर डेट में ना आपको डेट ऑफ ड्रॉइंग लेना है थर्ड जैन 45 डेज आगे आपकी गाड़ी जानी चाहिए तो माय डियर शुरू करते हैं थर्ड जैन 45 डेज आगे मेरी गाड़ी जानी चाहिए प्लीज नो ऑन द लेफ्ट साइड इज द नोमिनल ड्यू डेट उसमें तीन दिन नहीं है लीगल ड्यू डेट में तीन दिन है जो मैं आपको साइड साइड कैलकुलेट करके दिखा देता हूं राइट नाउ थर्ड जन में कितने डेज डालो फोर्टी फाइव डेज फिर सर so, तीन दिन की गए अरे नॉमिनल ड्यू डेट में नहीं ऐड करना लीगल में ऐड करना है लीगल की चिंता मत करो वो राइट right साइड में मेरे ऊपर आ जाएगा ओके okay? कितना डेट आया फोर्टी आया जनवरी 2020 बट ऐसा डेट जैन में नहीं होता वो मुझको भी पता है मैंने लास्ट टाइम बताया देखो यहाँ पे कैलेंडर भी है बराबर आपको क्या करना है कुछ ऐसे खास नहीं करना है आपको जैन का महीना नकल जनवरी 31 डेज ओ चलो निकाल देते थर्टी वन डेज फिर क्या आएगा मैथ्स कर लो बड़े आसानी से आपको उसका आंसर आ जाएगा सेवनटीन बट जैन फट गया फेब आया 2020 क्या इस दिन पे रिपब्लिक डे इंडिपेंडेंस डे गांधी जयंती नहीं 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 सर इसमें ऐसा कोई तकलीफ नहीं आ, सर 14th को छुट्टी होता था ना ए डोंट थिंक इन दैट डायरेक्शन सत्रह को कोई खतरा नहीं है इट्स अ फाइन डे दिस इज नॉमिनल ड्यू डेट इसके आगे तीन दिन जोड़ोगे तो आपको लीगल ड्यू डेट मिलेगा बट वो एम आई डूइंग इट्स वेरी सिंपल टू कैलकुलेट सत्रह के आगे तीन दिन बट मैं पूरा कैलकुलेशन दोबारा कर रहा हूं जो मैंने नॉर्मल टेक्निक पढ़ाया लास्ट टाइम आपको ये पूरा करने की जरूरत नहीं अगर आपको नॉमिनल और लीगल एक साथ में पूछा लीगल ही पूछा तो आपको ये ऊपर वाला कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा 45 डेज में आपको तीन दिन और जोड़ने हैं वेरी सिंपल फिफ्टी फर्स्ट जैन अगेन फिफ्टी फर्स्ट जैन तो नहीं होता अगेन आई एम इमेजिनिंग कि उन्होंने सिर्फ लीगल पूछा था आपसे इसके लिए मैं पूरा रामायण दिखा रहा हूँ अदरवाइज मुझे बिल्कुल पता है कि ये चुटकी बजा के सॉल्व हो सकता था ओके थर्टी वन डेज में निकाल देता हूँ मुझे ट्वेंटी क्या आता है फेब टू थाउजेंड ट्वेंटी विच इज थ्री डेज अहेड ऑफ सेवनटीन ऑफ फेब बट जस्ट फॉर क्लैरिटी सेक मैंने दोनों कंप्लीटली आपको दिखा दिया और मैं ये सबके लिए आपको दिखा देता हूँ Please note, this is the तरीका वेधर वो सेवनटीन हो वेदर वो ट्वेंटी हो कोई तकलीफ तो नहीं, नहीं है क्योंकि दोनों पब्लिक हॉलीडे नहीं है ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे पर नहीं आना चाहिए यह था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए अगेन देर इज नो नीड टू लाइन मारने की तो जरूरत है नहीं आपको रफली कॉपी कर लेना है नेक्स्ट इज गोइंग टू बी ऑके जस्ट मिनट इट टेक्स अ लिटल टाइम टू सर्च द क्वेश्चन सेकेंड इंथ अप्रैल को देखो कि ट्वेल्थ अप्रैल को अपना टाइप देखो आफ्टर साइट हाँ बदल गया नाइन्थ को नको नको मतलब डोंट सी अच्छा ट्वेल्थ अप्रैल से चार महीना चालू करता हूं ग्रेट चलो चालू करते हैं ट्वेल्थ अप्रैल से चार महीना एक नॉमिनल एक लीगल नॉमिनल में थ्री डेज मत ऐड करो नको मतलब नो चार महीना ऐड किया क्या मिलेगा अभी फोर प्लस फोर करेगा तो एट मिलेगा और क्या ओके ट्वेल्थ एट इज ऑगस्ट टू थाउजेंड नाइनटीन इज दिस पब्लिक हॉलीडे फिफ्टींथ वुड हैव बीन बट नॉट ट्वेल्थ दिट्स फाइन फॉर मी कोई तकलीफ नहीं है मेरे को चलो नॉमिनल ड्यूडेट आ गया चुटकी बजा के वॉट इफ लीगल ड्यूडेट ढूंढना है हाँ देन थोड़ा स्मार्ट रहना इसके लिए मैं शॉर्टकट भी नहीं कर रहा हूँ थोड़ा स्मार्ट रहना देख तीन दिन ऐड करेंगे ना तो पंद्रह तारीख आता है अगस्त का तो क्या छुट्टी का दिन है ना वो तो अगर तुम किसी को नहीं याद दिलाएगा तो भी याद रहेगा उन लोग को तो क्या करने का अच्छा तो थोड़ा लीगल में बच के रहने का इट कैन नॉट बी ऑन अ पब्लिक हॉलीडे एक दिन पीछे प्रीवियस डे पे जाना पड़ता है वो आपका ड्यू डेट बन जाता है तो ओके 14th August, so in nominal it didn't matter, okay, but in legal it did matter. Legal mate did matter, okay. Moving on, again uh, I am hoping मैंने jaldi jaldi लिख liya, but at the same time आप भी कॉपी इसको कर रहे हो. हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन जो पढ़ देता हूं मैं. 23rd November, again there is a printing error in the question. जो मैंने रेक्टिफाई किया है तो पी में आपको रेक्टिफाइड वर्जन ही मिल जाएगा ट्वेंटी थर्ड नवम्बर ट्वेंटी थर्ड नवम्बर दोनों सेम है दैट्स फाइन दोनों एक दिन पे हो सकता है कोई कष्ट नहीं अगर आज आस पास में दुकान है तो फिर सेम डे पे बन बिल बन गया सेम डे पे एक्सेप्ट हो गया टाइप क्या है आफ्टर डेट दो महीना हाँ तो लेना तो मुझे डेट ऑफ ड्राॅइंग है बट याद रखना है आफ्टर डेट का मतलब डेट ऑफ ड्राॅइंग या डेट ऑफ बिल ट्वेंटी थर्ड नवम्बर तो लेट मी गो टू 23 नवंबर वाला वाला आ कितने महीने दो महीना दिन नहीं नहीं इसमें एक्स्ट्रा डेज मत ऐड करो ये नॉमिनल है इसमें ग्रेस डेज नहीं आते हैं कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है फिर क्या आता है आ, थोड़ा केयरफुल रहना क्योंकि 23 डेट के साथ प्रॉब्लम नहीं है मंथ के साथ है क्योंकि वो थर्टीन मंथ हो गए टू एनी ईयर डजेंट है बारह के बाद तो वही आता है ना तो आप एक काम करो टू थाउजेंड एंड नाइनटीन को फाड़ दो मतलब बारह महीने को निकालो मैं सिर्फ कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ बाकी मेंटली बहुत लोग सर समझ में आ गया हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं लिख के दिखा रहा हूँ हाँ तो क्या आएगा ट्वेंटी थर्ड uh, जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी वो याद रखना जब आप बहुत बच्चे बोल जाते हैं बाउंड्री पार करते हैं कोई भी कंट्री की बाउंड्री पार करोगे आप थोड़ी वो कंट्री में रहोगे अगले में पहुंच गए ना हाँ 2019 की बाउंड्री पार की तो 2020 में चली जाएगी मेनी स्टूडेंट्स जो ओरली करते वो डेट मंथ समझ जाते वो साल में चुप जाते हैं एंड देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द मार्क्स बैक इसके लिए मैं लिख के बता रहा हूं ताकि आपके सामने ये दिखे लीगल में तमाशा यही है बट तीन दिन आपको ऐड करना है ओके okay. इधर भी स्टोरी अलग हो जाती है बिकॉज यू गेट ट्वेंटी सिक्स थर्टीन एंड देन वेन यू रिमूव ट्वेल्व मंथ्स यू रीच टू ट्वेंटी सिक्स जैन विच इफ आई शो यू वेल देन यू अंडरस्टैंड थोड़ा मुझे अपने आप को शिफ्ट करना पड़ेगा पे अटेंशन जैसे मैंने कहा मेनी स्टूडेंट्स विल डू दिस इन माइंड एंड आई एम नॉट अगेंस्ट इट बट आई वॉन्ट दैट टू बी फुल प्रूफ बिकॉज डेट यू आप चूक नहीं सकते हो डेट को यू कैन गो वन डे बैक एंड वन डे अरे सर ट्वेंटी को आंसर था मेरे को आया नाइनटीन तो प्रोफेसर को बोलो ना एक आधा मार्क ले लो बाकी का तो दे दो नहीं नहीं होता दैट डेट इज दैट डेट तो यू डू रीच टू ट्वेंटी सिक्स जैन बट देन यू शुड रियलाइज इट इज अ पब्लिक हॉलिडे एंड व्हेन यू रियलाइज दैट ओके तो फिर आपको आपकी गाड़ी एक दिन पीछे लेनी पड़ती है विच इज़ ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जैन दैट बिकम्स योर वॉट डू यू डेट सो आई होप देट इज़ द रीज़न मैं ये लेफ्ट वाला भी और ये राइट वाला भी जो ऊपर है और इस तरफ है पूरा लिख के बता रहा हूँ शॉर्टकट होते हैं शॉर्टकट में रिस्क का एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है और नंबर्स इन्वॉल्व हैं तो दूसरा कोई नंबर आता है तो आपको करीबन मार्क्स नहीं मिलेगी आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगी मुझे उसका चांस नहीं लेना है तीन हमारे सल्यूशन हो चुके हैं हमें अभी आना है चौथे पर चौथे में क्या लिखा गया है देख लेते हैं जी 16 अगस्त अगर मैं थोड़े ढंग की हिंदी में बात करूं और ट्वेंटी अगस्त चार महीना गाड़ी आगे लेके जाना है आफ्टर साइट हाँ साइट में थोड़ा याद रखना है आपको दैट आफ्टर साइट का मतलब होता है ड्रॉई ने कब देखा तो वो तो उसने ट्वेंटी बीस 20 अगस्त को देखा है तो बीस अगस्त से ट्वेंटी फोर सी हमारा हमारी गाड़ी कहाँ तक पहुंच पाती है चार महीने लिख दिए तीन दिन नहीं वो आप नॉमिनल में टेंशन ना ले ओके तो, okay. तो क्या आया बारहवा महीना दिसंबर 2019 देखो ट्वेंटी फिफ्थ होता तो थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होता बट दैट्स फाइन ट्वेंटी एट डिसम्बर इज फाइन कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्रेस uh, डेज अगर हम डालें लीगल में तो डालने पड़ेंगे ओके okay. तो उसका ट्वेंटी थर्ड हो जाएगा ट्वेंटी थर्ड डिसम्बर टू थाउजेंड एंड नाइनटीन आई एम स्टिल फाइन इट आई रिपीट कभी कभी आपको गाड़ी बहुत आगे दौड़ानी पड़ती है एंड देन यू गेट अ ड्यू डेट अदरवाइज मे बी चुटकी बजा के आपको नॉमिनल हो ये लो। दोनों का आंसर बड़े आसानी से आ जाता है ओनली जब आप वो साल का पार करते हो अठारह से उन्नीस उन्नीस से बीस तो फिर याद रखिए ओके okay? क्योंकि वहां पे बच्चों का ध्यान थोड़ा कम रहता है और फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज द फॉलोइंग ट्वेंटी थर्ड डिसम्बर एटीन में ये बिल बना ट्वेंटी फोर्थ डिसम्बर एटीन एक दिन बाद ये साइन हुआ डेज का है एंड वेरी इंपॉर्टेंट ये आफ्टर डेट है नॉर्मल आफ्टर डेट पहले नॉर्मिनल ढूंढेंगे सिक्सटी डेज आगे गाड़ी जाएगी देखते हैं साल का ट्रांजिशन याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट साल का ट्रांजिशन ओके माई लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन फॉर द डे एंड देन आर स्टोरी विल बी डिफरेंट द नेक्स्ट टाइम वी मीट सो सिक्सटी डेज हम आगे कैसे जाए सिक्सटी डेज ऐड कर लो कौन सा बड़ा तकलीफ है आपको आएगा एक बहुत अजीब डेट एट्टी थर्ड डिसम्बर बट डिसम्बर नेवर हैज मोर देन थर्टी वन डेज योर थ्रू योर करेक्ट यू फाड़ाओ आई नो वो वर्ड नहीं है बट टेर ऑफ डिसम्बर ओके थर्टी वन डेज आर टेर ऑफ इट्स इट्स ऑन द नकल्स देन वॉट डू आई गेट सी मैथमेटिकली मैथ्स वाइज गणित के हिसाब से इट इज फिफ्टी सेकेंड बट इट्स नो लॉन्गर December. It is Jan, and it because you cross the year, it's 2019. It's still not a correct date, but you have to go to 2019. January has how many days? Doesn't matter which year. 31 days always. So please minus it. Okay, I'm doing that. What do I get? 21st Feb 2020. No, no, no. Now, obviously, it's 2019, and that seems to be a very fine date. Nothing wrong with that. 21st Feb. So that becomes my nominal due date. Please make sure you write everything. Don't miss it out. And my request I very well understand many of you are extremely capable of doing all of this mentally. No need to write it. My problem is, and not just mine, an examiner's problem is going to be that you missed out one day. And when you miss out that one day, you miss out on all your marks. तो थोड़ा चांस मत लेना अभी हमको लीगल के लिए तीन दिन ऐड करने पड़ेंगे। कर दिया हमने तो टेक्निकली एटी सिक्स आता है जो नहीं होता तो हम दिसंबर का थर्टी वन डेज को माइनस कर लेते हैं ओके तो चलिए कर लिया हमने फिर हम टू थाउजेंड एंड एटीन की बाउंड्री पार करते हैं और जैन में जाते हैं फिफ्टी फिफ्थ जैन वो पता है कि नहीं है ओके तो हम आ, जनवरी के 31 डेज को माइनस कर लीजिए 2019 में ही हम रहेंगे 18 से हम 19 में आ चुके हैं तो फिर आपको क्या मिलेगा फेब का ट्वेंटी आ जाएगा फेब में 29 के ऊपर अगर कभी आए तो तकलीफ होगा बट ये तो चल जाएगा इसमें कोई तकलीफ नहीं है सो लीगल ड्यू डेट और जो मेरे ऊपर है या जी मेरे सिर के इस तरफ है नॉमिनल ड्यू डेट दोनों हमने आज के लेक्चर में समझ लिया है एंड आई होप आज के ही लेक्चर के लिए नहीं इवन फॉर अपकमिंग लेक्चर्स ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा बिकॉज बिल ऑफ एक्सचेंज का, का चैप्टर काफ़ी लंबा होता है नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो टेक्निक है हाउ डू यू गेट जर्नल एंट्रीज इफ समबड़ी इज लाइक सर ये क्या बोला आपने जर्नल एंट्रीज आई हैव नो आइडिया वॉट इज दिस इफ यू डोंट हैव एन आइडिया एंड इफ यू वॉन्ट टू हैव एन आइडिया देन प्लीज मेक श्योर दैट यू आर कंटिन्यूइंग

In the explanation or in the answer, do let us know. We will try our best to rectify it at the earliest, or maybe at least put up a pinned comment to mention if there was ever an error in any one of the lectures. tab tak ke liye subscribe kar lena bell icon daba dena अपना ख्याल रखना, okay दोस्तों तक channel के बारे में और बाकी की जो channel की जानकारी है, definitely आप पहुंचा दीजिए social media के द्वारा, काफी आसान हो जाता है click 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 और 100-200 लोगों तक जानकारी पहुंच जाती है ओके okay, अपना ख्याल रखिए बड़ों का छोटों का परिवार वालों का टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी वन आई विल आई होप टू सी यू एट अर्लीस्ट फॉर द कंटिन्यूइंग सीरीज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर टाइम अपना ख्याल रखना गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू गॉड ब्लेस बाय फॉर नाउ